प्रेजेंटेड बाय आयुष वीडियो। रानी पगली की तरह देखी, इधर उधर दौड़ने लगती है, कभी वस्त्र को फाड़ती है, कभी बाल को बिखरा लेती है, कभी मस्तक को जमीन पर पटकती है। रानी पगली की तरह देखी, इधर उधर दौड़ना भटकना शुरू कर देती है। बेटा बेटा कह करके बेटा के वियोग सेठ संगाल बगल में है, वो भी अपने पत्नी को दशा को देख करके, बेटा को दशा को देख करके सेठ संगाल भी आंख से आंसू बहा रहे हैं। बाबा कहते कि रानी रोने धोने से काम नहीं चलेगा, खिलाना है तो तुम अपने बेटे का मांस जल्दी बना करके ला, नहीं तो मैं चल दूंगा। बाहरी ऐसा भी कहीं कठिन जांच होता है, ऐसा भी कहीं कठिन परीक्षा होता है। रानी क्या काम करती है, एक तीक्ष्ण तेज गरासा लेकर के परगट पर चढ़ा करके अपने चंदन कुमार का वो मासूम हाथ का उंगली देख करके रानी और चिंगार मार मार करके रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसको टुकड़ा टुकड़ा करती है, बाबा के सामने में छोटा छोटा पीस बनाती है। तब देखिए कराह में डालती है और नीचे से ईंधन लगाती है, टाल के टाल लकड़ी देखिए समाप्त तो हो गया लेकिन मांस सिद्ध नहीं हो रहा है। बेटा का मस्तक काट करके क्या काम किए, संदूक में रख दिए और धर का मांस बना करके सिद्ध कर रही थी। एक बहन जी की ओर से दान आया है, बोलिए दान देने वाले बहना की जय। अरे इनको रखे राम हमको अल्लाह रखे, इनको रखे राम हमको अल्लाह रखे, दाता का नाम इनको ईश्वर रखे, दाता का नाम इनको ईश्वर रखे, इनको रखे राम हमको अल्लाह रखे, इनको रखे राम हमको अल्लाह रखे, दाता का नाम उनको ईश्वर रखे, दाता का नाम इनको ईश्वर रखे, दाता का नाम उनको ईश्वर रखे, दाता का नाम इनको ईश्वर रखे। अब देखा जाए रानी क्या काम करती है, मस्तक बेटे को काट करके संदूक में बंद कर देती है, कहीं बेटा का याद आएगा ना तो उनका मुंह को देख करके मैं रह सकती और धर का मांस काट काट करके कराह में डालती है। मांस देखिए बाबूजी बहुत लकड़ी समाप्त हो गया लेकिन मांस सिद्ध नहीं होता है। टाले के टाले ईंधन जल जाई जहो सियार, डाले के डाले ईंधन जल जाई जहो सियार, डाले के डाले लकड़ी जल जाई जहो सियार, डाले के डाले धन जर जाए जो तयो न मांस से झावन भारी जो सियरो, तयो न मांस से झावन नमाज़ जा रही है।
अनुसार मांस जब नहीं सिद्ध होता है, रानी चंद्रावती दोनों हाथ जोड़ करके बाबा के नजदीक, बाबा मांस नहीं सिद्ध हो रहा है, बाबा अंतर्जामी जगत के स्वामी, बाबा कहते कि रानी तुम अपने बेटे का मस्तक काट करके संदूक में बंद कर रखी है और गात का मांस तुम हमको खिलाने के लिए चाहती है, पगली जल्दी अपने बेटे का मस्तक लाओ। रानी दौड़ती है और बेटे का मस्तक जो संदूक में रखी हुई थी दौड़ करके ला करके बाबा के नजदीक, बाबा कहते उखल में रखो। और दोनों प्राणी उस मस्तक को उखल में रख करके मूसल से दोनों प्राणी कूटो, बेटा का मुंड को मस्तक को चूर्ण चूर्ण करो। रानी कहती कि नहीं, कदापि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बाबा, बेटा का मस्तक मैं कैसे मूसल से चूर्ण चूर्ण करूं। कहा खबरदार, तुमको गाना भी गाना पड़ेगा, साथ साथ तुम गाना गाओ तब खाऊंगा तेरे घर पर। अरे मस्तक को रखो उखल में, अरे कुटो दोनों प्राणी जाकर, साथ साथ फिर गाना गाओ तब खाऊंगा तेरे घर पर। ओ साथ साथ गाना गाओ तब खाऊंगा तेरे घर पर, गाना भी गाओ अब मूसल से मस्तक को कूटो। आप देखिए दोनों पति पत्नी मूसल को पकड़ लिए और कूटती है और साथ साथ देखिए गाना भी गाती है। कौन सा गाना गाती है? बिरहा के अगिया लगल यही तन में, क्या है गबन सखी मार दिले सुनाइरा के आगिया गया गबन सखी मार दिले सुनाइरा के आगिया गल यही कंकर चुनी चुनी महल बना बले लोग कहे घर मेरा ये राम। कंकर चुने चुने माला बनावाले लोग कहे घर मेरा ये राम। कंकर चुनी चुनी माला बनावाले लोग कहे घर मेरा ये राम। कंकर चुनी चुनी माला बनावाले लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, सिरा गल यही तन में कवसा के मार दिया गल यही तन में कवन सखी मार दिले सुनाइरा। गल यही तन में कवन सखी मार
देखी मस्तक को कूटते 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 जब पूरा चूर्ण चूर्ण कर दिए, बुकनी बना दिए, तब देखिए वो चूर्ण लेकर के मांस में डालती है। प्रभु की कृपा देखा जाए, जो ही मांस में चूर्ण को दिए, बस मांस बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, मांस तैयार हो जाता है। रानी हाथ जोड़ करके कहती कि बाबा मांस तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है। कहा क्या मांस सिद्ध हो गया? हाँ। अच्छा तो ठीक है, मांस जब सिद्ध हो गया ना, तो जाओ महल से। अरे जाओ महल से ले आओ सुंदर चार लाए, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार लाए। भज के ओर से भगवान के दरबार में गान आया है, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार लाए, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार लाए। जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली। एक माता जी की ओर से भगवान के दरबार में दान आया है, माँ लक्ष्मी को खजाना को भरते रहे और इनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। बोलिए दान देने वाले माता की जय। जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली, जाओ महल से ले आओ सुंदर चार थाली। देखिए दान का जरा मैं एक मिनट बतला देता हूँ, दान क्या चीज है। रामायण में चौपाय लिखे हैं, आठ प्रकार के दान कवि ने लिखे हैं कि दान जो होता है आठ प्रकार के, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्या दान, गौ दान, वस्त्र दान, अन्न दान, मुद्रा दान, यानी एवं प्रकार से ये सब मिलाकर आठ तरह के दान रामायण में लिखे हैं। तो जो आदमी भगवान के दरबार में दान करते हैं, मैं दान का प्रमाण बतलाता हूं। ये एक मकई का बीज अगर जमीन में हम और आप बोते हैं तो आगे चल करके एक गाछ में दो ठो भुट्टा होता है और दो ठो भुट्टा में कम से कम 500 दाना होगा। एक गेहूं का बीज अगर डाल दिए जमीन में बो दिए तो उसमें 7 ठो 5 ठो 4 ठो गाछ होगा, बतलाइए उसमें उतना शीश होगा, एक दाना से कितना दाना हो गया। हम और आप तो एक ही दाना जमीन में बो दी, लेकिन देने वाले प्रभु कितना दे दिए, ये तो दान का मैं प्रमाण बतलाया। तो दान करना भगवान के भजन में बहुत बड़ा जरूरी होता है, और नहीं तो एक आदमी बड़ा कंजूस, सरकार कंजूस की कहानी जरा एक मिनट हम सुना दे। एगो सेठ जी के भगवान बड़ा धन दौलत महल अटारी दे दल खन, यह माघी पूर्णिमा जे बीतल, सब चल हुजुम के हुजुम लोग गंगा स्नान। सेठानी देखलखिन सेठ जी कहे छथिन चलू न अपनो गंगा स्नान। सेठ जी कहलखे नहीं नहीं, वहां बहुत सारे भिखमंगा लोग आते, मत जाओ। सेठानी कहती है क्या हा भगवान, इतना महल अटारी जमीन जायदाद रुपया पैसा बहुत दिए हैं,
किसी चीज का कमी नहीं है और कुछ दे देंगे दान तो इसे घटने बढ़ने वाला है। कहा अच्छा कहते हो तो चल, बस सेठा सेठानी दोनों परानी चल दी। सब देखिए घाट पर स्नान करते हैं और सेठ सेठानी चले गए कुघाट पर। वो कुघाट पर कोई नहीं नहीं जाएगा, स्नान करेंगे या चल देंगे। आप देखिए स्नान करके सेठ सेठानी जो ऊपर भेलखनी भगवान तंतर जामी भीख मंगा के तुरते भेष बनाए लेते फटल चिटल गुदरी पिन्ने लाठी नेने आ एक बउआ के तरफ से दान आया है दीर्घायु भव आयुष्मान आयुष्मान। बोलिए दान देने वाले दाता की जय। माँ लक्ष्मी को खजाना को भरते रहे, इसी तरह से कलाकार को दान करते रहे, कभी इनका खजाना खाली न हो। भगवान देखियो भीख मंगा के भेष बनाएल खनी एगो कटोरा नेने एक हाथ में लाठी नेने लड़खड़ा फटल चिटल वस्त्र पिन्हने। ओ बाबू अरे ओ जाने वाले बाबू एक पैसा ले दो। सेठ जी देखते अरे यार जिसको डर से हमने कुघाट पे गया स्नान करने के लिए वो तो हमको पीछा करिए दिया। अच्छा अच्छा ठीक है हमारे पास में खुचरा नहीं है, तुम चले आना कभी हमारे घर पर, हम तुमको दे देंगे। अब मन में सोचते हैं कि इनको क्या पता है कि सेठ जी का कहाँ घर है, भिखमंगा कभी फिर नहीं आएगा बस हमारा बच जाए। और भगवान को तो सब पता है अंतर्जामी ही। भगवान कहे अच्छा ठीक है जाओ। बस सेठ सेठानी अपना घर पर पहुंचे और कल होकर के देखिए भगवान भीख मंगा के भेष में कटोरा लेकर पहुंच गए। औलाद बालों फूलो फलो औलाद बालों फूलो फलो औलाद बालों फूलो फलो औलाद बालों पलंग पर सोए हुए थे न गंगा स्नान से जो आए थे, खिड़की खुला था दरबार में, दरवाजे पर जो हल्ला मचा रहा था झांक करके देखते अरे लगता है शायद वही भिखमंगा तो नहीं आ गया जिसको हमने कल में गंगा के किनारे में कह दिया था कि तुम चले आना कभी हमारे घर पर, हम तुमको कुछ दे देंगे। ओ लग रहा है शायद वही तो नहीं। बेटा को कह दिए रे जाओ, कह देना कि बाबूजी को तबीयत खराब है, बस लौट करके चला जाएगा, हमरा बच जाएगा। सेठ जी के लड़का गए, क्या औलाद बालो फूलो फलो, जाइए बाबूजी का बहुत जोर का तबीयत खराब है। कहा बाबूजी का तबीयत खराब है? हाँ अरे वो तो हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त, जरा हम उनसे मुलाकात करिए न जाए। सेठ जी के लड़का जाता है, कहता है बाबूजी हाँ
और कहता है कि हम उनसे भेंट करके जाएंगे, वो हमारा दोस्त। सेठ जी अब सोचता है, वो लगता है कि अब नहीं छोड़ेगा। जाओ कह देना कि जे पिताजी मर गए, बस अपने चला जाएगा। बस देखिए सेठ जी के लड़का गया, कहा कि बाबूजी नहीं छथिन ई दुनिया में, अंतकाल भ गेलखनी। अंतकाल? हाँ हाँ, स्वर्गवास मने चल गेलखनी, मर गेलखनी। कलखनी आ रे बाप, तब तो हुनकरा चिता पर हम पांच लकड़ी दइए के नहीं। देखियो हमर किया दोस्त छथिन तो छोड़बे न केना। अब हुनकर लड़का जाय छथिन, कहे छथिन बाबूजी की बात? अरे ऊ तो कहे छथिन जे पांच लकड़ी हम चिता पर दइए के। अब सेठ जी कहे छे रे लागे छे नहीं छोड़ते। अच्छा चल चचरी यार बना। अब देखियो शमशान जाय के लिए तैयारी भ गेल, चचरी बन के रेडी। और सेठ जी झूठे से शरीर अर के तानने छथनी। अब देखियो 100 रुपया 50 रुपया दान नहीं दिया। अब झूठ मूठ को सेठ जी मर गए, लेकिन गांव समाज के लोग को पता क्या है कि सेठ जी झूठ मूठ को तो नहीं मरे हैं। सेठ जी सही मर गए। सवेरा हुआ, सेठ जी को बांध करके चार कहर मिलकर के शमशान घाट पूरे बराती आजा बाजा ढोल धमाका के साथ सेठे जी थे। शमशान जब पहुंचे अर्थी से खोल करके सेठ जी को क्या काम करते, उत्तर और दक्षिण? अरे उतरे दक्षिण हो राम अचिया खुना ऊपर से काया के सलावल जी। उतरे दक्षिणा हो रामा अचिया खुना वही पर काया के सोलब जी। सात बंधन खेरा उकबा बनाओल घूमी घूमी मुह में दराई। सात बनाना लकड़ी आ सेठ जी के सलाह दलखनी आ वही पर ऊपर से लकड़ी दू चार पांच मोन। अब सेठ जी के प्राण लगे छे अब निकलिए ते। आ तब तक में सात बंधन कूक बन के तैयार छे, दू बार परिक्रमा आग धराय करके दू बार चिता के परिक्रमा कर चुकले हैं सेठ जी के लड़का। आ तेसरा बार में चिता में धराय देते मुंह में। अब वह समय में भीख मंगा कटोरा लेके तुरंत पहुंच जाए छे। सोचे छथिन बाप रे जेल जैते लेकिन देते नहीं कुछ दान। भीख मंगा कहे छे कि बराती सबसे, भाई साहब वो सेठ जी जो मर गए हैं उनको कहिए तो अभी हम तुरंत जिंदा कर देंगे। गांव समाज के लोग कहे आप जिंदा कर दीजिएगा? हाँ हाँ जिंदा कर न देंगे तब क्या, कहिए ना हम जिंदा कर देते। कहा कैसे? हम जिंदा कर न देंगे तो जिंदा कर दोगे तो हम 50 लाख रुपया दिलवा देंगे सेठ जी। अब भिखमंगा मन में सोचता है कि जो 50 रुपया दान नहीं हमको दिया गंगा के किनार में, कहा कि हमरे घर पे चले आना खुचरा नहीं है कभी दे देंगे। और 50 लाख हमको कैसे देगा, मन 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 ही मन सोच रहा। कहा अच्छा ठीक है कागज कलम लाओ और इतने आदमी के सामने में बॉन्ड बनाओ, साइन दस्तखत चुटकी सब करवाओ और तब देखिए हम जिंदा करते हैं। सदा पन्ना पर देखिए लिखा पर ही सब बोंड बन करके तैयार।
सबको दस्तखत चुटकी साइन सबको लग गया मोहर, और सेठ जी को बेटा से भी दस्तखत करवा ली। कहा जल्दी जिंदा कीजिए न बराती सब, कहा अभी हम तुरंत न जिंदा करते। आप देखिए सेठ जी को लड़का को वहां से थोड़ा दूरी हटा करके अलग ले गया, और कान में सट करके कहते कि जाओ अपने बाबूजी को कान में सट करके कहना कि जो भिखमंगा को आप गंगा के किनारे में जो दान किए थे न, वो भिखमंगा आपको माफ कर दिया चले गए, इतना कान में सट के कहने देना। सेठ जी के लड़का गया आ बाबूजी के कान में सट करके कहे हो बाबूजी, कहे की बात रे, जे भिखमंगा के जे गंगा के किनार में दान कलो रे, हाँ वो भिखमंगा तो तोरा माफ कर दिलको आ वो चल भी गेले। इतना बात जे सेठ जी सुनल, क्या माफ कर दिया, क्या जे कहलखिन उ शरीर पे जे लकड़ी सरकार जे रहन बोझल उ झरझराए के नीचा गिर गेले। आब बहुत जे बराती जे गेल रहथिन रसमसान, सब देखै छथिन बाप रे सुख बुगैले हन, ठीके जिंदा भए गेले, जिंदा करके उड़ा लकड़ी आर के हटा उठा के पकड़ धकड़ के खड़ा करल गेले। आब कहलके हो सेठ जी 50 लाख रूपा दहो, यह भिख मंगा तोरा जिंदा कलको। देखियो आब सेठ जी कहे हमें मर लिया कहा, कहे वो सब बहाना नहीं होतो, तब मरलो नहीं थी सब जे बराती शमशान घाट में। एक बहन जी की ओर से भगवान के दरबार में दान आया है, बोलिए दान देने वाले बहना की जय। माँ लक्ष्मी को खजाना को भरते रहे और इसी तरह से कलाकार को दान करते रहे, कभी इनका खजाना खाली ना हो। रखी हो नजरिया, रखी हो नजरिया, रखी हो नजरिया, मालिक राम बन जाए इनका बिगड़ा काम, बन जाए इनका कि जो 50 रुपया नहीं दान दिए वो घर पर आकर के तिजोरी से 50 लाख रुपया लेकर के भिखमंगा को दिए। सब समाज कहे जे नहीं दीजिएगा तो अही चिता में अभी ये झोंक कर मार दे, डर के मारे अब घर से 50 लाख रुपया दे दिए भगवान और सुन ली। तो कहने का भाव बाबूजी, भगवान के दरबार में दान देना बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है, इसीलिए